भगवान को पति रूप में पाने के लिए वो कात्यायनी माता का व्रत करने लगी, रोज यमुना में स्नान करती थी। जिस कदम 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 कि नीचे गोपिया स्नान करती थी, भगवान ने उनका चीर हरण करके उस कदम पर चढ़ गए थे। आज उस स्थान का हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का पग यात्रा दर्शन है ना, वाहन वाला चारों धाम तक कर लिए, अब इधर का जो भी हमारा छूटा है वो सब हम करेंगे। तो आज वहाँ भी जाएंगे जहाँ भगवान चीर घाट पर चलेंगे, है ना, जहाँ भगवान चीर हरण लीला किए। अच्छा, लोग समझते हैं भगवान ने वो गोपियों का वस्त्र चुरा लिए, साड़ी कपड़ा डाला। चीर क्या है? चीर मतलब अज्ञान होता है, चीर अविद्या को कहते हैं, चीर माया को कहते हैं। देखिए गोपी कौन है? गोपी जीवात्मा है। कृष्ण कौन है? परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन में एकमात्र कोई बाधा है तो क्या है? अज्ञान है, माया है। उसी अज्ञान माया रूपी चीर को भगवान ने चुराया है, न किसी के कपड़े वस्त्र भगवान ने चुराया है, ये समझना होगा। तो गोपियां जो निर्वस्त्र स्नान करती थी, भगवान लगा, भगवान को लगा व्रत तो अच्छा है, मुझे भगवान को पाने के लिए कर रही है, लेकिन वरुण देवता का अपमान होगा, इसलिए भगवान ने उनके माया अज्ञान को भगवान ने चुराया। और फिर गोपियों को वचन भी दिए, गोपी उचित समय आने पर, यानी शरद पूर्णिमा आने पर तुम सबका मनोरथ पूरा करेंगे, तुम सबके